अपनी परीक्षा का एक एक डिटेल जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। पटना में बिहार विधानसभा से रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी मौजूद है। बीजेपी की रणनीति क्या है इसे लेकर रविंद्र कुमार की उस पर नजर है। कांग्रेस का पक्ष बताने के लिए मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे दिल्ली से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और स्टूडियो में इस वक्त दो वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट आलोक मेहता, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, और साथ ही निलंजन मुखोपाध्याय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अभी की खबर क्या है? देखिए, फिलहाल खबर यही है कि सब विधायक अंदर जा चुके हैं। विधायक होने के बाद, जैसा मैंने बताया था कि सब विधायक के मौजूदगी में सबसे पहले स्पीकर मौका देते हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने कन्विंसिंग, बेसिकली कन्विंसिंग स्पीच किसको कहा जाता है कि आप दूसरे को से नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे सबसे पहले। अभी भी कुछ विधायक हैं जो जा रहे हैं, ललन सिंह हैं जो अभी यहाँ से हमारे सामने से गुजर रहे हैं, जेडीयू के विधायक और नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। कुल मिला जुलाकर नीतीश कुमार अपनी बात रखेंगे और ऐसा लग रहा है कि आंकड़े उनके पक्ष में हैं, तो अपनी बात को रखेंगे। जो उनकी बात है, जो उनका दर्द है, क्यों उन्होंने सरकार तोड़ा और क्यों उन्होंने नई सरकार बनाई है और इसके और आगे क्या उनका फर्दर एक्शन रहने वाला है, डेवलपमेंट प्लान क्या रहने वाला है, ये बात रखेंगे। और अगर तेजस्वी की बात सुने तो तेजस्वी यादव हमला करने के मूड में है, ये भी बताने के मूड में है कि करप्शन में सिर्फ वो नहीं फंसे हैं, करप्शन में नीतीश कुमार का भी नाम है, उनके और उनके ऊपर भी केस चल रहा है और सुशील मोदी के खिलाफ भी केस चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी जनता को मैसेज देना, चूंकि आंकड़े इनके पक्ष में नहीं है, तेजस्वी के पक्ष में आंकड़े नहीं है, लेकिन आवाज, अपनी आवाज उठाने का उनको मौका है, तो अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे। कुल मिलाजुला कर ऐसा लग रहा है कि 132-133 जो एनडीए के विधायक जिनके पक्ष में कहा जा रहा है, जो दावा किया जा रहा है, वो उनके साथ रहेंगे और वो टूटने का सवाल नहीं होता है। हो सकता है एक दो चार बढ़त हो जाए, क्योंकि कांग्रेस में टूट का सवाल कहा जा रहा है। हालांकि देखिए, मैंने बार बार कहा है कि व्हिप जारी है, व्हिप जारी में कोई ऐसा विधायक नहीं चाहेगा कि उसकी सदस्यता जाए और फिलहाल चुनाव के लिए उसको आगे जाना पड़े, चुनाव हो उसके लिए, तो चुनाव से बचने के लिए एक रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी ऐसी संकट जेडीयू सरकार पर नहीं है, नीतीश सरकार पर नहीं है। उनको लग रहा है क्लियर कट उनको मैंडेट मिल रहा है, आने वाले दिनों में कांग्रेस के विधायक उनके संपर्क में हो, उनके साथ हो सकते हैं जब संकट की घड़ी हो तब। और आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का गिरा हुआ, उनको लग रहा है कि उनकी सरकार जा, अब उनकी सरकार नहीं बच सकती। बिल्कुल रवि, लगातार आप उन विधायकों से बात भी कर रहे थे, वो विधायक अपनी बात रख रहे थे और जो कुछ भी खबरें हैं, हंगामा कर सकते हैं रवि, बिल्कुल जो कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, ये पूछिए जरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वो सवाल भी अभी लूंगी, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है बिहार विधानसभा के बाहर की, जहाँ पर आरजेडी विधायक हंगामा कर रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि एक तरफ जहाँ पर तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा है और जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है, बिहार विधानसभा की कार्रवाई जिसकी शुरुआत हो चुकी है। स्पीकर इस वक्त नियम कायदे बता रहे हैं कि किस तरीके से विश्वास मत के नियम होते हैं, कैसे वोटिंग की जाएगी, उसके नियम स्पीकर ने सभी विधायकों को समझा दिए हैं और तेजस्वी यादव इस वक्त विश्वास मत पर भाषण दे रहे हैं। तेजस्वी ये कह चुके हैं कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये उन्होंने पहले बाहर बयान दिया था। इस वक्त की डिटेल्स विधानसभा की ये है। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार भी हैं, ब्रह्म भी हमारे साथ है, विशाल भी अब से कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे और स्टूडियो में आलोक मेहता और निलंजन मुखोपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं। आलोक मेहता, आप कुछ कह रहे थे, उसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। आपको क्या लग रहा है विधानसभा के अंदर की तस्वीर कैसी होगी शुरुआत के साथ? देखिए, निश्चित रूप से हंगामेदारे में तो बल्कि इसलिए आपके संवाददाता जो जुड़े हुए हैं उनसे भी जानना चाह रहा था कि अधिकांश विधानसभाओं में और संसद का तो सीधा प्रसारण होता ही है, क्या टीवी के प्रसारण पर वहाँ पूरी कोई रोक लगी है या पहले से अभी तक कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह की जा रही है, क्योंकि इस तरह के ऐतिहासिक मौके होते हैं। वैसे विधानसभा में कई बार विश्वास मत का हुआ है, लेकिन ये एक पहला बड़ा ऐसा मौका है जब पूरी पार्टी, आमतौर पर जो सत्तारूढ़ दल है उसमें डिफेक्शन होता था, दल बदल के हमने कहानियाँ बिहार में बहुत देखी, उत्तर प्रदेश में देखी, यहाँ तो ये है कि पूरा दल ही दूसरे दल के साथ मर्ज तो नहीं किया है लेकिन गठबंधन ऐसा ही हुआ है जो बड़ा ऐतिहासिक है। तो ये एक ऐतिहासिक मौका है और भाजपा का जिस तरह का पूरा अश्वमेघ घोड़ा चला है वो वहाँ पहुँच करके झंडा फहरा रहा है, तो इसको सीधा प्रसारण करने पर कोई रोक लगाई गई है, ये एक हमारी सबकी स्वतंत्रता का सवाल है, इसलिए भी मैं जानना चाह रहा था। रवि से सर पूछ लेती हूँ, रवि क्या इस तरह की कोई रोक है? देखिए, मैं अभी बताना चाहूंगा आपको कि जो स्थितियां हैं उसमें अंदर रिकॉर्डिंग की सारे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अंदर विधानसभा की तरफ से अपने कैमरे सारे लगे होते हैं, इसका लाइव के बाद उसको एडिट सारी चीजों को शायद दिखाया जाएगा, जनता के सामने रखा जाएगा, लेकिन फिलहाल लाइव
तुरंत दिखाया जाता है। बिहार विधानसभा में लाइव इसको दिखाने का कोई इंतजाम नहीं है, रिकॉर्डिंग की जरूर व्यवस्था है, रिकॉर्ड किया जाएगा सारी एक एक कार्रवाई जो भी चीजें हैं सबको रिकॉर्ड करने की व्यवस्था विधानसभा सचिवालय के पास विधानसभा सचिवालय ने कर रखी है और रिकॉर्डिंग करने के बाद में शायद उसको पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा। ठीक, रवि के साथ कुछ टेक्निकल दिक्कत भी उधर आ रही है सर, लेकिन क्लैरिटी यही है कि लाइव टेलीकास्ट उसका नहीं होगा। निरंजन मुखोपाध्याय, आपको लगता है कि ये सब तो देखना चाहिए अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट फिलहाल नहीं हो रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये एक मेजर मतलब गड़बड़ी है कि इतना कुछ हिस्टोरिक घटना हो रही है और कोई कोशिश नहीं की गई है, कोई तरीका प्रोसीजर नहीं किया गया कि लाइव कवरेज हो पाए। थोड़ा सा अलग हटके हुए कि लाइव कवरेज करते हुए दो एक चीज़ जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, मतलब जो जिस पर काफ़ी चर्चा हुई है कि 2017 जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरी साल है, 50 साल पूरे हो गए हैं। 67 में हरियाणा में एक एमएलए थे गयालाल जी, जो कुछ ही दिनों में कई बार 3 बार 4 बार 5 बार उस समय के रिकॉर्ड्स को देख के समझ में आता है कि करीब 5 बार 3 दिन में संयुक्त विधायक दल से कांग्रेस के बीच में फेरबदल करते रहे थे। तो उनका नाम गया, उसी से वो आया राम का जो कहावत है हिंदुस्तान के राजनीति के बारे में वो शुरू हुआ। ये एक बार बार कमेंट आ रहा है सोशल मीडिया में खास तौर से कि ये बिहार में एक अजीब विडंबना है कि मुख्यमंत्री तो वही रहा, उसका पार्टी बदल गया। तो ये एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ है जिसको नीतीश कुमार जी से समझना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं, चाहे वो मतलब असेंबली में बोलें या चाहे बाहर बोलें, जनता ये जानना चाहेगी कि क्या वजह थी कि वो एक मैंडेट से जो बहुत स्ट्रांगली एंटी बीजेपी मैंडेट थी, क्या ऐसी बात आ गई कि जिसकी वजह से उनको अपने अलायंस पार्टनर जिसके साथ उन्होंने एक मैंडेट लिया था उनको छोड़ के उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा, जिनके खिलाफ वो लगातार 2013 के कई साल पहले तक विरोध करते रहे। हमको याद रखना पड़ेगा कि 2013 जून में जब गोवा की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट तय किया गया था, उसके कई दिन मतलब कुछ ही दिनों के अंदर सपोर्ट विड्रॉ करके मतलब वो अलायंस तोड़ दिया गया था और कांग्रेस और आरजेडी ने बाहर से सपोर्ट किया था, उसी तरह से नीतीश कुमार जी की सरकार बची। 2007-08 से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत ही होस्टाइल रिश्ते रहे हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही नाटकीय तरीके से नरेंद्र मोदी लुधियाना में एक एनडीए की मीटिंग में जाके नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के उन्होंने हाथ खींच के, वो एक बहुत ही आइकॉनिक बहुत फेमस फोटो है। 2010 में भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी जिसमें नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री होने के नाते दावत डिनर ऑर्गेनाइज कर रखा था, तमाम इनवाइट्स दिए गए थे। उस दिन सुबह एक अखबार फ्रेंड्स ऑफ गुजरात के नाम से एक पूरा पेज का विज्ञापन छपा था जिसमें ये कहा गया था कि फ्रेंड्स ऑफ गुजरात को बिहार की जनता धन्यवाद देती है क्योंकि गुजरात सरकार ने इतने करोड़ रुपए बिहार सरकार को डोनेशन दिया है फ्लड से, यानी कि तो उन्होंने कैंसिल किया था। तो एक हॉस्टिलिटी की जो फेज है, सडनली आप जिनके साथ आप लगातार लड़ते रहे उनके साथ आप इस तरह से, और देखिए डीएनए वाला बयान तो समझना चाहिए, तो डीएनए से एनडीए तक का सफर बिल्कुल उसे लेकर जरूर बात हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर, तेजस्वी यादव जहाँ पर विश्वास मत को लेकर सदन के अंदर भाषण उनका चल रहा है, लेकिन उससे पहले जब उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश की गई थी तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कुछ भी बात होगी वो सदन के भीतर रखेंगे, बीजेपी के लोग लोभी हैं और हम स्वाभिमानी हैं, इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है, और बिहार में कोई आधार नहीं है नीतीश कुमार का, हम स्वाभिमानी हैं, बीजेपी के लोग लोभी हैं, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। आलोक मेहता, तेजस्वी यादव जो ये कह रहे थे कि सदन के अंदर वो अपनी बात रखेंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम स्वाभिमानी हैं और बीजेपी के लोग लोभी हैं, यानी कि कुल मिलाकर स्ट्रेटेजी वही है। आरजेडी ये तो कह रही है कि हमारे पास नंबर हैं, लेकिन वो नंबर कितने हैं ये नहीं बता पा रही और उस पर ये बयानबाजी है। नहीं, नंबर ठीक है, नंबर खाली कुछ ज़्यादा है ना, लेकिन यदि एनडीए यदि पूरा कह लें जेडीयू और मिला करके, ये सही है कि पहले जेडीयू के मुकाबले में आरजेडी के पास नंबर ज़्यादा थे, सबसे बड़े जैसे कहते हैं दल के नाते यदि उसका था विधानसभा में जितने दल हैं उसमें, लेकिन ये सही, अब तो उनका हमला पूरी तरह से, मुझे लगता है कि इसीलिए सोची समझी रणनीति, उन पर इतने केसेस हो गए हैं, ईडी का नोटिस कल फिर से चला गया है, तो अब वो घिरे हुए हैं, अब वो लड़ाई
दूसरों को अपराधी और दोषी या उनको धोखा देने वाला जो कह रहे हैं, ये सही है डेमोक्रेट्स के हिसाब से। ये एक डिमांड वो करते हैं कि भाई देखिए बहुमत इनका नहीं था, हमें पहले बुलाया जाता, और तब वो विफल हो जाते हैं। कई बार ऐसे मौके आए हैं जब राज्यपाल को आपने दिया और वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, या पहले ही राज्यपाल संतुष्ट न हो, इस बात को शायद वो अभी असेंबली में रख रहे होंगे। और उसे लेकर देखिए बाहर की भी पूरी स्ट्रेटजी सर देखने को मिल रही है। आरजेडी के विधायक लगातार हंगामा कर रहे हैं, लेकिन निलंजन मुखोपाध्याय इसमें बहुत बड़ा रोल हम कांग्रेस का भी देख रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ये जरूर कह चुके थे कि 3-4 महीने से हमें पता था डील हो चुकी है और हमें इस बात की जानकारी थी, और लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि कम से कम 16 से 17 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो टूट सकते हैं। हालांकि उनकी विधायक ने इस बात को खारिज कर दिया है ऑन एयर, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, लेकिन क्या ये कांग्रेस के लिए बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी? देखिए दो बातें, एक तो ये कि राहुल गांधी का बयान कि हमें पहले से पता था कि ये होने वाला है, फिर सवाल ये उठता है कि तो आपको पता था तो आपने क्या किया? आप अगर अपोजिशन में हैं, आपका जो हर काम में एक जॉब ब्रीफ होता है, तो अगर आप अपोजिशन प्रमुख राष्ट्रीय अपोजिशन पार्टी के नेता हैं तो आपकी जॉब का ब्रीफ क्या है? जाहिर सी बात है सत्ता में दोबारा वापस जाना या अपनी सत्ता को बचा के रखना, तो आपने उसके लिए कुछ नहीं किया तो टोटल फेलियर। दूसरी बात यह है कि ये जो बिहार में जो कुछ हुआ है, मुझे लगता है कि इससे एक मेजर चर्निंग शुरू होगी जिससे पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हमको कई तरह के देखने को मिलेंगे। विधायक इधर से उधर जाएंगे, ये पार्टी टूटेगी, वो पार्टी टूटेगी, और ना सिर्फ पार्टी के लेवल पे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगले कुछ महीनों में हमको मेजर बिहार में, और हो सकता है बिहार की वजह से देश के और जगहों में भी, एक मेजर सोशल रीअलाइनमेंट में देखने को मिलेगा। जो हम लोग जब जाति की आधार पर जो हम लोग कास्ट कोअलिशंस की बात करते हैं, कुछ एक फेरबदल मुझे लगता है कि इससे जरूर ट्रिगर होगा। एक में क्या होगा वो देखने वाली बात है। एक बात मैं जोड़ना चाह रहा था कि जैसा अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों कह रही हैं कि हमें मालूम था, तो क्या वो यदि उन्हें मालूम था कि उनका पतन होने जा रहा है और या उनके समर्थन से चल रही सरकार हट रही है, वो अपना एक दोनों अपना समर्थन वापस लेने की चिट्ठी क्यों नहीं उन्होंने दी? क्योंकि उसके बाद वो एक अलग संकट पैदा होता है। ये ठीक है कि अब वो ये भी डरते हैं कि कहीं वो वोट बैंक जो नीतीश जी का था, या वो नाराज़ ना हो जाए या सौदेबाजी कुछ हो जाए, अन्यथा होना ये चाहिए था। यदि उन्हें लगता था, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं हमें तो चार भैंसे मालूम है, षड्यंत्र है, गड़ी खिचड़ी पक रही है, तो भाई यदि आपको इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई थी और नीतीश जी से आपके मतभेद थे, अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि उन पर हत्या के आरोप थे, अब उनको दिखाई दे रहा है कि सुशील मोदी गड़बड़ है, तो उस समय पहले वो एक अपना ज्ञापन राज्यपाल को देते, राष्ट्रपति को भेजते, और ये कह सकते थे कि हमारा इन पर विश्वास नहीं है जनता के, चलिए या हम सब इस्तीफा दे देते हैं। यदि लालू जी की पार्टी तैयार थी, कांग्रेस तैयार थी, सारे सदन से इस्तीफा देकर चुनाव में खड़े हो जाते, आज भी खड़े हो सकते हैं। सदन में हल्ला मचाने के बजाय क्यों नहीं ये करते कि जाके विधानसभा में इस्तीफा दे दे सारे लोग, तो आधा चुनाव तो हो ही जाएगा। यदि 70 और 100 लोग भी यदि इस्तीफा दे देते हैं, परीक्षा हो जाएगी। लेकिन ये खाली ड्रामा, ये कहना अपने अपराधों को छिपाने के लिए दूसरे षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और आज भी कितना अटैकिंग मोड में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं जैसे उनके बयान आ रहे हैं। एक बार हम रवि का रुख कर लेते हैं क्योंकि वो बिहार विधानसभा के बाहर हैं और वहीं से आज की तमाम बड़ी खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। रवि, अंदर तो काफी अटैकिंग मोड में तेजस्वी यादव हैं जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और वो ये भी नीतीश कुमार जो कह रहे थे कि भाई मेरी अंतरात्मा की आवाज मैंने सुनी और अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता, वो ये सीधे सवाल उठा रहे हैं कि किस तरह की छवि है ये नीतीश कुमार की। देखिए, मैंने बार बार कहा था कि यही स्ट्रेटजी बनी थी, कल लगभग 2 से 2.5 घंटे बैठक चली थी लालू यादव के घर पर, और लालू यादव रांची से इसलिए वापस आए क्योंकि रांची उनको दिन रहना था, क्योंकि स्ट्रेटजी करना था किस तरह से नीतीश कुमार को एक्सपोज किया जाए, पिछले दिनों के हवाला दिया जाए, पिछले किस तरह से 2015 का जो गठबंधन हुआ उसके बारे में बताया जाए, जो उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था उसके बारे में बताया जाए कि 2013। कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम रवि को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रविंद्र का रुख कर लेते हैं, बीजेपी ऑफिस के बाहर इस वक्त वो मौजूद है पूरी डिटेल्स के साथ। रविंद्र, क्या ये तस्वीरें देखकर बीजेपी की टेंशन कुछ बढ़ी है या फिर एनडीए जिस तरह से निश्चिंत नजर आ रही थी कि आज तो फ्लोर टेस्ट है और आज किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी टूट की खबरें भी थी लेकिन विधायक बाहर अंदर जाते हुए तमाम उन टूट की खबरों को खंडित करते हुए जा रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, इसके पहले भी इस पर चर्चा हुई थी, तो एक बात फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि कल ही अरुण जेटली जो सूत्रधार हैं इस अलायंस के, उन्होंने कहा था कि जब तक लालू यादव और कांग्रेस कोर्ट में जाएंगे इस मामले को लेकर, तब तक हम विश्वास मत हासिल कर लेंगे। यानी इतने कॉन्फिडेंस थे, जिस तरह से नीतीश कुमार और अरुण जेटली ने शरद यादव से बात की उसके बाद,
तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से भरोसेमंद है एनडीए कि हमारी उसमें बहुमत है, 132 का आंकड़ा हमारे पास है, 122 से 10 ज़्यादा है और हमारे में कोई टूट फूट नहीं हो रही है। एक पूर्णिमा, एक इंटरेस्टिंग बात जो भी चल रही थी, आलोक मेहता जी और नीलंजन जी कर रहे थे, 2010 की बात जो उन्होंने कही है कि हम लोग वहीं पर थे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए, जब 5 करोड़ का जो एडवर्टीजमेंट था, लहर सिंह कर्नाटक विधानसभा विधान परिषद के बीजेपी के सदस्य थे और येदुरप्पा काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से वो एडवर्टीजमेंट दिया था, नीतीश कुमार ने थाली छीन लिया, उसके बाद बकायदा बीजेपी में ये चर्चा हुई, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई कि क्या अलायंस तोड़ लिया जाए, सरकार गिरा दिया जाए, लेकिन आडवाणी उस समय भी अपना उन्होंने कहा कि नहीं, ये संबंध इस छोटे इस ऊपर तोड़ा नहीं जाना चाहिए। तो ये हालात थे उस समय भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण से, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार अपना लालू यादव से पिंड छुड़ाना चाहते थे। एक बात और जो जो विधानसभा के अंदर हो रही है, एक गौर करने वाली बात है और आलोक मेहता जी और निलंजन जी इस पर और ज़्यादा प्रकाश डालेंगे कि लालू यादव अब क्या करेंगे। एक तो उनके उनके पास जो अगले 2020 तक जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसके पहले हर हाल में चाहेंगे कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, अभी नहीं बने लेकिन बने हो माफ करिएगा, अगर नहीं बन पाता है तो एग्रेसिव होकर कम से कम MY विधायकों के नहीं सड़क पर और जनता के बीच में जाकर वो वोट बैंक को अपने पास रखें कि 2019 और 2020 में वो वोट बैंक उनके काम आए, क्योंकि जिस तरह के मामले चल रहे हैं तेजस्वी के खिलाफ बहुत कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ राजनीतिक भविष्य तेजस्वी यादव क्या होगा, उनका क्या होगा, इसे लेकर भी बहुत सारी अटकलें हैं सर, कि क्योंकि जिस तरह की चीज। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी यादव अंदर देखिए इसी बात का भी जिक्र कर रहे हैं जो रविंद्र यहाँ पर कह रहे थे कि सब कुछ पहले से प्लान्ड था, और अभी भी रविंद्र भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। एक बार हम विशाल के पास चल लेते हैं, शरद यादव के घर के बाहर वो मौजूद हैं। विशाल, अभी भी और इंतजार करना होगा, शरद यादव कुछ कहें, मुझे लगता है कि शायद 45 से 46 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अंदर खाने की खबरें ये भी है कि अरुण जेटली से बात के बाद सब कुछ ठीक है अब। देखिए पूर्णिमा, शरद यादव से अरुण जेटली और नीतीश कुमार दोनों लोगों ने बातचीत की, और उसके बाद केसी त्यागी ने भी यहाँ पर कई बार शरद यादव से फ़ोन पर बातचीत की है, और बताया ये जा रहा है कि शरद यादव को मनाने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि शरद यादव के पास ऑप्शंस बहुत कम है। शरद यादव के पक्ष में कोई ना विधायक बहुत ज़्यादा कोई है और ना ही पार्टी के बड़े नेता हैं, जो लोग उनके साथ में हैं वो अपने राजनीति के अंतिम दौर में चल रहे हैं, चाहे अली अनवर हों या फिर वीरेंद्र कुमार MP हों। तो इससे ये इसके इस बात का अंदाज़ा बहुत कम है कि शरद यादव कोई बगावत करेंगे या कुछ और करेंगे, बस इतना है कि वो विश्वास मत का इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे ही विश्वास मत के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद शायद शरद यादव मीडिया से बातचीत करें और अपनी बात रखें। हालांकि उनको इस बात का मलाल जरूर है पूर्णिमा कि जब जेडीयू के साथ गठबंधन, विशाल मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ, हमारे साथ ब्रजेश मिश्र इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि ब्रजेश विधानसभा के अंदर मौजूद थे तो उनके पास बहुत माइनर डिटेल्स इस वक्त होंगी। ब्रजेश, आपके एंड पे क्या जानकारी है, अभी अंदर क्या कुछ हुआ है अभी तक? देखिए तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा है और विश्वास मत पेश हो चुका है विधानसभा में, और उसके बाद तेजस्वी यादव का भाषण चल रहा है, और तेजस्वी यादव ने खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी के है, और बीच बीच में बीजेपी और RJD के विधायकों के बीच हंगामा चुम में भी हो रही है, और खासकर ये था कि पुरानी बातें तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से ब्रजेश से कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ब्रजेश आवाज अगर आप तक आ रही है तो अपनी बात पूरी कीजिए आप। और बीच बीच में RJD और BJP के विधायकों के बीच में ठीक, मुझे लगता है कि अंदर चूंकि जामर होता लगता है कुछ डिजिटल इंडिया में, वैसे रविशंकर जी का इलाका भी है बिहार, लेकिन यदि वैसे कहें कि इस सारी डिजिटल क्रांति के बाद भी ऐसे मौके पर फ़ोन और ये, वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि कहीं कोई रोक नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा लगता है ना कि कुछ तो कुछ ऐसे रास्ते लेकिन कहीं आलोक होते मेहता जी, मुझे लगता है जामर का एक्सक्यूज आज दे देना चाहिए थोड़ा सा उससे बच सकते हैं। जामर तो है ही, लेकिन तो लेकिन ये भी तो वैसे सही है कि टेपिंग जो सरकार का काम है कि कोई क्रिमिनल है यदि वो संपर्क कर रहा है, आप देखिए शहाबुद्दीन वाला टेप हुआ था ना, तो इसलिए मैं मानता हूँ कोई हमारे पत्रकारों का ना हो, लेकिन हम लोग इस मोर्चे पर इसीलिए सब लोग मीडिया में है कि इस बात को कह सके। ठीक सर, एक बार रवि के पास चल लेते हैं, उनके पास कुछ अपडेट है। जी रवि,
देखिए जो अंदर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, आलोक जी बोल रहे थे तो मैं हंस इसलिए रहा था कि मुझे इंटरनेट वाकई यहाँ काम नहीं कर रहा है। हम लोग जो दिल्ली से अपना फोन लेकर आए हैं उसमें तमाम इंटरनेट सर्विसेज कई जगह काम ही नहीं कर रही है, न नीतीश कुमार के घर के पास करती है, न राज्यपाल निवास के पास करता है, न यहाँ विधानसभा में खड़े हैं, तो यहाँ मुश्किल है। इस पर बात करना ये मुश्किल है और ये हकीकत है जिसको बयां करना जरूरी है। लेकिन अंदर की बात यह है कि जो खबरें निकल के आ रही है कि भाषण के बीच बीच में हंगामा भी हो रहा है और बहस भी हो रही है, तिकी नोक जोक भी हो रही है, बार बार तेजस्वी एक तरह से कहा जाए नीतीश कुमार को अपनी हकीकत दिखा रहे हैं, उनको पर्दा आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 2 सीटें आई थी तो उस समय नीतीश कुमार की छवि कहाँ गई थी, कहाँ गया था उनका अपना सारा चीज, तो एक एक करके बातें बताना कि उन्होंने गठबंधन जब तोड़ा था तो जो बयान दिया था वो कहाँ गया, जो सेक्युलरिज्म की बात वो करते हैं वो कहाँ गया, जो करप्शन की बात करते हैं उनके खिलाफ जो केस का दावा जो आरोप लगाया है बीजेपी आरजेडी ने उसका हवाला देकर उन पर और सुशील मोदी पर आरोप लगाकर इन पर भी मुकदमे चल रहे हैं, ये भी आरोपों में घिरे हैं, बीजेपी के कई नेताओं जो मंत्री थे उन पर जो आरोप थे उनका हवाला देकर, तो तमाम पीछे की बातों को जो मतलब कहा जाए तो गड़े मुर्दे को उखाड़ कर उनको अपनी बात रखनी है, जो कि देखिए उनके उनके पास आंकड़े नहीं है लेकिन वो आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ उठाने में ये हकीकत है कि वो चाहेंगे कि उनकी जनता के बीच उनका वोटर है वो जाने कि किस वजह से ये स्थिति हुआ है और धोखा नीतीश कुमार ने दिया है, आरजेडी ने नहीं दिया है, तो कुल मिलाकर सिलसिलेवार तरीके से पूरा पॉइंट और ये जो आवाज उठाने का सिलसिला है ये सदन के अंदर भी चल रहा है, तेजस्वी यादव वहां पर बोल रहे हैं, सदन के बाहर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर टू टू मैं हंगामा सदन के बाहर अंदर ये होता हुआ नजर आ रहा है। रवि आपसे निलंजन एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। रवि अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, अंदर की खबर तो आपने बता दी, जरा बाहर की खबर बताइए, आप जब से पटना पहुंचे तो वहां से लोगों का मूड क्या है, वो मूड एक्सेल में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे का जो राजनीतिक जो कुछ इस तरह से रीअलाइनमेंट होना है उसका एक इंडिकेशन मिल सकता है। निलंजन जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल हम लोग जब लालू यादव के घर पे खड़े थे तो वहाँ हंगामा चल रहा था, तमाम उनके समर्थक वहाँ खड़े थे और वो कई बार ऐसा कह रहे थे कि ये मीडिया वाले जो हैं ये भी सरकार गिरा सकते हैं और बना सकते हैं, तो ये बड़ी चर्चा थी कि इनको देखो, कई जगह ये चर्चा कर रहे थे और कई जगह चुपचाप जब हम आप टहलते हुए जाते हैं तो आमतौर पे एक बातचीत जो होती है उससे आपको फीडबैक मिलता है जिसमें आपके पास कैमरा नहीं होता है, जिसके जब सब आपके पास माइक नहीं होता है और ये लोग मान रहे थे, जैसे आप राजभवन पे हम लोग खड़े थे उस वक्त कई लोगों से चर्चा हम लोग जब कर रहे थे तो दो कर रहे थे, दो ड्राइवर आसपास, तो उनका बयान चाहूंगा क्योंकि बिहार चुनाव में मैंने एक बयान सुनाया था और वही कहीं ना कहीं ट्रेंड साबित हुआ था, तो दो लोग बात करते हुए कह रहे थे कि 7-8 साल तो मोदी ही चलेगा देश में, उसके अलावा कोई नहीं चल पाएगा, उसके आगे टिक नहीं पाएगा, ये बयान था। लालू यादव के समर्थक जरूर गुस्से में थे, जो यादव कौम है ये आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से गुस्से में लोग थे और वहां थे कि उनको लग रहा था कि उनके साथ धोखा दिया है, जो कई लोग जो उनके कार्यकर्ता थे उनको अपनी बातचीत में बिना मीडिया के कैमरे के जो बातचीत में निकल के आ रहा था कि अब हम लोग किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि हमने वोट मांगा था नीतीश के लिए, नीतीश के लिए काम किया था, तो कार्यकर्ताओं के लिए एक मुसीबत होगी जो आरजेडी के कार्यकर्ता है क्योंकि उन्होंने वोट मांगा था और लालू जी ने भरोसा दिलाया नीतीश उनका साथ रहेंगे, उनके साथ देंगे, तो कार्यकर्ता जो जमीन पे है उसके साथ दिक्कत है। लेकिन जनता में मैं जो मैसेज देख रहा था कि जनता को ऐसा लग रहा है कि जो करप्शन का मामला था ये कम होगा, नीतीश कुमार की एक छवि है, लेकिन नीतीश कुमार किसी भी दल के साथ जाके सरकार बनाए, लेकिन नीतीश कुमार की जो छवि है, मैंने मुंगेर में जब मैं गया था चुनाव के दौरान 2015 में, तो दो एक चाय की दुकान पर हम लोग चाय पी रहे थे, तो उनसे पूछा एक महिला से कि भाई किसकी सरकार बनेगी, तो महिला ने अपने लैंग्वेज में बोला कि नीतीश कुमार की सरकार बनता ही, तो हम पूछे कि क्यों बनेगी सरकार भाई आपके, नीतीश कुमार की क्यों बनेगी, बीजेपी मोदी इतना काम कर रहे हैं, मोदी की बात चल रही है, तो बोला नीतीश कुमार ने हमको सब कुछ दिया है, सड़क दिया है, स्कूल दिया है, बच्चों के लिए साइकिल दिया है, स्कूल ड्रेस दिया है, हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। तो उसके बाद मैंने सेकेंड क्वेश्चन किया था नीलांजल जी किसी और खड़ा था, लेकिन आपको लालू का गठबंधन है, लालू राज आपने देखा है, तो जो गरीब तबका है उसका ये मानना था, उस शख्स का एक वर्ड में जवाब था, कहना था कि लालू ने हमें जुबान दिया है, तो नीतीश ने विकास दिया और लालू ने जुबान दिया, इसी नाम पर वोटिंग हुई थी और जाति बड़ा फैक्टर था उसमें, जो कि आरएसएस का बयान आया था, अब लोगों को मोह भंग हुआ है, उनको लगता है कि सिर्फ अपने परिवार के लिए मैसेज देने में कामयाब हुए हैं, लालू जी ने भी बाकी लोगों के लिए काम नहीं किया है, सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया है। रवि जी जी मोटे तौर पर मतलब ये लग रहा है कि अभी जो है शायद हो सकता है बिहार के लोगों को क्या ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो है अब ये मोदी की सरकार है, नीतीश कुमार की उतनी नहीं है, नीतीश कुमार अब नंबर 2 पे आ गए, बेशक वो मुख्यमंत्री हो लेकिन सरकार ये मोदी सरकार है, क्या ऐसा लग रहा है लोगों को? तो इसमें क्या 1+1 वाले फैक्टर की बात रवि हो रही है या फिर प्रायोरिटी पर कोई और आ गए, क्योंकि मोदी चर्चा हो रही है, मोदी की सरकार यहां बन गई और केंद्र राज्य की सरकार एक साथ चलेगी, तो एक तरह से तो नीतीश कुमार दोबारा सवाल दोहराया, सुनना भूल गया आपका।
नहीं नहीं रवि, फिर मैं ये कह रही थी कि फिर अभी जो स्थिति है तो नीतीश कुमार वाली बात नहीं है नीलांजलि, और मोदी साथ में है तो 1+1 फैक्टर है, या फिर अब मोदी की सरकार है, नीतीश कुमार की कम हो गई है, तो अब वो ट्रस्ट फैक्टर आप ज्यादा देख रहे हैं। वही फैक्टर ज्यादा दिख रहा है, देखिए लोगों को अब लग रहा है कि मोदी और बिहार में मोदी ये कहिए ना, गए नीतीश कुमार उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि नीतीश कुमार की जी 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 बिल्कुल दिल्ली में मोदी, वहां भी मोदी, सुशील मोदी भी डोमिनेट करेंगे, दिक्कत होने लगी और बिहार में भी जी। ठीक है, एक बार हम ब्रह्म का रुख कर लेते हैं, विजय वो कांग्रेस का पूरा पक्ष इस वक्त सामने रख रहे हैं, देखिए जो ठीक अपनी बात पूरी कर लीजिए आप रवि, फिर मैं उसके बाद ब्रह्म के पास जाऊंगा। मैं नहीं सर की बात को मैं कह रहा था कि चूंकि सुशील मोदी का जो स्वभाव है, लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग है, 8 साल तक उन्होंने सरकार चलाई है और खुलकर मौका भी उनको मिला है, देखिए वो वैट कमेटी के चेयरमैन भी थे, बतौर वित्त मंत्री उन्होंने साइलेंटली अच्छे तरीके से काम किया है और दोनों की एक ट्यूनिंग है, तो कहीं दबाव बनाने वाली बात नीतीश कुमार पर फिलहाल नहीं होगी, लेकिन नीतीश कुमार खुद ही दबाव में होंगे चूंकि उन्होंने पाला बदला है और मोदी के आगे सरेंडर, एक तरह से इसको सरेंडर भी कहा जाएगा, जिस नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी लड़ाई थी, जिससे हाथ मिलने आने से डरते थे वो, अब उसके गले लग गए हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि उन्होंने सरेंडर किया है और वही राजनीति अब चलेगी, सरेंडर उन्होंने कर दिया अपनी राजनीति की वजह से, क्योंकि उनको अपने राजनीति में सरवाइव करना है, आगे बढ़ना है, करप्शन की छवि से दूर अपने आप को रखना है और ये बताना है कि मैं बहुत साफ सुथरा नेता हूं, एक अच्छे करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, क्या कहते हैं मारपीट जो क्राइम है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो अपनी छवि को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक समझौता किया है और यह समझौता भी आप जान रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि पहले हाथ मिलाने से जिससे डरते थे अब उससे गले मिल गए हैं।